हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सैफ और इस वीडियो के थंबनेल को देखकर तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज के वीडियो किस टॉपिक पर है। आज मैं आपको पांच ऐसे सवाल के बारे में बताऊंगा जो आपके दिमाग में कभी ना कभी तो जरूर आया होगा, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते रहिए 5 क्वेश्चन दैट हैव कम इन द माइंड ऑफ यू एंड कंफ्यूज यू। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सैल्यूट हमेशा राइट हैंड से ही क्यों? दोस्तों, हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि जब भी एक पुलिस दूसरे पुलिस को सैल्यूट करता है या फिर अपने झंडे को सलामी देता है तो वो हमेशा राइट हैंड का ही यूज करता है। क्यों? क्या हम लेफ्ट हैंड से सैल्यूट नहीं कर सकते? दोस्तों, राइट हैंड से सैल्यूट करने का ये कारण है कि इस दुनिया के 90% से भी ज़्यादा लोग राइटी हैं, यानी कि राइटी लोग मेजोरिटी में है, क्योंकि राइटी लोगों का पॉपुलेशन लेफ्टी के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। इसीलिए राइटी का पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कारण राइटी लोगों के दिमाग में ये बैठ गया है कि राइटी लोग लेफ्टी से ज़्यादा मजबूत होते हैं, इसीलिए वो अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति मजबूती दिखाने के लिए वो राइट हैंड से सैल्यूट करते हैं। दोस्तों, राइट हैंड से सैल्यूट करने का एक और बड़ा कारण है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, इस दुनिया में राइटी लोगों का पॉपुलेशन 90% से ज़्यादा है। यही कारण था कि जब सैल्यूट इस दुनिया में नया नया आया, जब सैल्यूट का शुरुआत हुआ तो जो लोग राइट हैंड के थे वो सैल्यूट राइट हैंड से करते थे और जो लोग लेफ्टी वो लेफ्ट हैंड से करते थे। तो दोस्तों, राइट हैंड का पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कारण सैल्यूट राइट हैंड से ज़्यादा फेमस हुआ और जो लोग लेफ्ट हैंड से भी करते थे वो भी राइटी के कारण राइट हैंड से करने लगे और लेफ्ट हैंड से सैल्यूट कोई ना करने लगा। इसलिए लोग हमेशा सैल्यूट राइट हैंड से करते थे और सैल्यूट राइट हैंड से ही ज़्यादा फेमस हुआ। पर यार, अगर आप चाहें तो आप सैल्यूट लेफ्ट हैंड से भी कर। तो दोस्तों, मैं आपको एक टास्क देता हूँ, अगली बार आपका स्कूल जब भी खुलेगा तो आप अपने नेशनल एंथम में सैल्यूट लेफ्ट हैंड से करना। दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि समुंदर के उस छोटे से पेड़ से लेकर धरती के बड़े से बड़े पेड़ हरे ही कलर के होते हैं? दोस्तों, मुझे पता है आप में से 90% लोग एक ही बात कहेंगे, ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ क्लोरोफिल के होने के कारण। पर यार, क्लोरोफिल हरा ही कलर का क्यों होते हैं? दोस्तों, क्लोरोफिल हरे कलर का क्यों होता है ये जानने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि लाइट का कलर 7 प्रकार के होते हैं। तो इसी कारण जब सनलाइट का लाइट जब प्लांट के पत्ते पर पड़ते हैं तो क्लोरोफिल सबसे ज़्यादा ब्लू और रेड को अब्जॉर्ब कर लेता है और बाकी 5 जितने भी लाइट हैं वो सब रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। और हमें तो ये पता ही है कि कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु रिफ्लेक्शन के कारण ही दिखता है। तो 5 कलर में से सबसे ज़्यादा ग्रीन और येलो कलर रिफ्लेक्ट होते हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा ग्रीन और येलो में सबसे ज़्यादा ग्रीन कलर रिफ्लेक्ट होते हैं और यही कारण है कि प्लांट का पत्ता ग्रीन दिखते हैं और थोड़ा थोड़ा येलो दिखते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी देखा है कि कोई लोग होते हैं जो बिना कंपास के, बिना इंस्ट्रूमेंट के डायरेक्शन बता सकते हैं? पर हम में से 60% लोगों को ये बात पता ही नहीं रहती है कि डायरेक्शन किस प्रकार देखते हैं। उन 40% लोगों को तो पता होगा पर 60% लोगों को ये बात नहीं पता रहती है। क्या आपको पता है कि डायरेक्शन किस प्रकार से देखते हैं? क्या आप बता सकते हो कि किधर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट है? तो चलिए दोस्तों, मैं आपको वही ट्रिक बताता हूँ, वही कला बताता हूँ जिस प्रकार आप भी डायरेक्शन को बता सको। दोस्तों, डायरेक्शन पता करने के लिए सबसे पहले आपको एक चीज़ पता करना है कि आप जिस जगह पर से डायरेक्शन पता करना चाहते हो उस जगह पर सूरज किस तरफ से निकलता है, यानी कि जिधर से सूरज निकलता है उस तरफ हो जाएगा ईस्ट और जिधर सूरज डूबता है उस तरफ हो जाएगा वेस्ट। तो दोस्तों, आपको ईस्ट और वेस्ट पता चल गया, अब आपको नॉर्थ और साउथ पता करना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले सूरज के सामने खड़ा हो जाना है, अपने फेस को सूरज की तरफ कर लीजिए और उसके बाद आपका जो राइट हैंड होगा उधर हो जाएगा साउथ और जिधर लेफ्ट हैंड होगा उधर हो जाएगा नॉर्थ। दोस्तों, अगर आपको डायरेक्शन देखने की ट्रिक पता चल गई तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि आप जिस डायरेक्शन में अपने चेहरे को कर इस वीडियो को देख रहे थे वो किस डायरेक्शन में है। क्या स्पेस इन्फिनाइट है या फिर फिनाइट है? दोस्तों, ये सवाल सिर्फ हमारा ही नहीं है बल्कि पूरे दुनिया, पूरे विश्व का है। पूरे विश्व यही सोचते हैं कि स्पेस इन्फिनाइट है या फिर फिनाइट है। तो मैं आपको एक एग्जांपल से आपको बता दूंगा कि यूनिवर्स इन्फिनाइट है या फिर फिनाइट है। इस एग्जांपल को समझने के बाद आप भी कह सकते हो कि यूनिवर्स इन्फिनाइट है या फिर फिनाइट है। तो सही से इस एग्जांपल को समझना। दोस्तों, मान लीजिए ये है यूनिवर्स और ये जो आपको दिख रहा है ब्लैक सा, यहाँ से यूनिवर्स का एंड है। अब आप एक बात बताइए कि ये जो ब्लैक है वो क्या है? ये भी तो यूनिवर्स ही हुआ ना यार। यूनिवर्स का ख़त्म होगा तो कैसे होगा? क्या उसके अंत में कोई दीवार आ जाएगा? पर दीवार के बाद क्या होगा? दीवार के बाद भी तो कुछ होगा। दोस्तों, इससे यह साबित होता है कि यूनिवर्स इन्फिनाइट है, यूनिवर्स का कोई अंत नहीं है, क्योंकि अंत करने के लिए भी तो कुछ आना चाहिए। अगर अंत करने के लिए कुछ आएगा तो उस अंत के बाद भी तो कुछ होगा, तो वो भी तो यूनिवर्स से हुआ ना।
दोस्तों इस एग्जांपल से ये पता चलता है कि ये स्पेस फिनाइट नहीं इनफिनाइट है। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि साइंटिस्टों ने कैसे ये बात पता कर ली कि धरती का एज 4.54 बिलियन ईयर अगो है। दोस्तों धरती का एज पता करने के लिए साइंटिस्टों ने सबसे पहले एक टेक्निक का आविष्कार किया जिसका नाम है रेडियोमेट्रिक डेटिंग टेक्निक। इस टेक्निक से साइंटिस्ट बता सकते हैं कि कौन पत्थर कितने साल पहले बना है। तो धरती का एज पता करने के लिए साइंटिस्टों ने सबसे पहले धरती का सबसे पुराना पत्थर को खोजा और उसका डेट पता किया जो कि धरती के एज के बराबर था, जिसका डेट था 4.54 बिलियन ईयर अगो पहले। उसी के आधार पर धरती का एज भी 4.54 बिलियन ईयर अगो पहले रख दिया गया। दोस्तों आई थिंक आपको पता चल ही गया होगा कि साइंटिस्टों ने कैसे धरती के एज को पता किया। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको 5 ऐसे सवाल बताए जो आपके दिमाग में कभी ना कभी जरूर आया होगा। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आप भी इसी प्रकार से वीडियो को देख सको। इस वीडियो में अगर मैंने कुछ गलती की तो कमेंट करके बताना ताकि मैं उस गलती को सुधार पाऊँ। अगर आपको अभी भी कोई क्वेश्चन का डाउट है तो कमेंट करके बताओ ताकि मैं अगले वीडियो में उस क्वेश्चन के बारे में बता पाऊँ। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए एनी ऑन।